हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव LDCE एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली जो ये एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने है, ये 2018 का एग्जामिनेशन है और इसके हम कुछ क्वेश्चंस की डिटेल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी CAPF के जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, उसी तरह हम CISF असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर का भी जो है एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एग्जामिनेशन जो है ये टोटली डिफरेंट एग्जामिनेशन है जो कि आपका CAPF का एग्जामिनेशन होता है, असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री वाला, उससे ठीक है। इस एग्जामिनेशन को सिर्फ CISF में जो ऑलरेडी सर्विंग सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं वही लोग इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, वही लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, यानी आप किसी भी सर्विस यानी CISF में अगर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल भी नहीं हो, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन की हम काफ़ी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी सर्विंग है CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस करेंगे और उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है कोई प्रोवाइड ही नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली इस एग्जामिनेशन को जो है काफ़ी निगलेक्ट किया गया है। कोई भी जो है इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इस एग्जामिनेशन को कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो बहुत कम रहती हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट की वजह से जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले बहुत कम होते हैं और जो फाइनल जो सिलेक्शन जो होता है वो भी बहुत कम कैंडिडेट्स का होता है। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो सिर्फ 29 कैंडिडेट्स थे जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन में हार्डली मतलब बहुत कम लोग जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही कुछ इस एग्ज़ाम का ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका 150 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपका 300 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन है। इसमें जो टाइम लिमिट है वो है आपकी 2.5 आवर, ओके, यानी 2.5 घंटे का जो है आपको टाइम मिलता है इस एग्ज़ाम में, और 150 क्वेश्चन जो है आपको करने को मिलते हैं इसमें, जिसमें से आपका 75 क्वेश्चन जो है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के होते हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जनरल एबिलिटी के होते हैं और 75 जो है आपके प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स बेसिकली आपके जो हैं CISF के रिगार्डिंग ही होते हैं। सिलेबस पूरा का पूरा UPSC ने दिया है, वो चेक कर सकते हैं UPSC की वेबसाइट पे जाके उनका नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में, क्योंकि जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो सिमिलर हैं GS के क्वेश्चन के CAPF एग्जामिनेशन के, लेकिन प्रोफेशनल स्किल का जो है काफ़ी डाउट रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, और कहाँ से यह क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन का जो है हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और इसके रिगार्डिंग हमने पूरा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने एक मटेरियल तैयार किया है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपके जो पहले 75 क्वेश्चन रहते हो आपके बेसिकली GS के क्वेश्चन रहते हैं, 76 क्वेश्चन से जो है आपका वो सारे के सारे जो हैं आपके प्रोफेशनल स्किल्स शुरू होता है पार्ट बी यानी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ऑप्शन दिए गए हैं अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एज पर अ रिजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट, एज पर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एज पर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए, इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है स्ट्रक आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है CISF के रिगार्डिंग जो है कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप डायरेक्ट जो है निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो CISF है ये जो है किसी भी रिजोल्यूशन से पास नहीं हुआ था कैबिनेट के, ठीक है। बेसिकली ये है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका प्रिसाइज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, ठीक है, एज अ मॉडिफाइड वाइड एक्ट नंबर 14 ऑफ 1983। तो ये सारा का सारा एक PDF है, इससे जो है दिया गया है, ये लिया गया, एन एक्ट ऑफ टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेगुलेशन ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्टेन अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है बेसिकली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट एंड द पावर ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्स एंड सच अदर सुपरवाइजर ऑफिसर्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर जनरल की जो है रिक्रूटमेंट करती है, बेसिकली अपॉइंट करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
Which of the following falls within the scope of the technical consultancy services rendered by the Central Industrial Security Force? ठीक है, तो इसमें चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ आपके लिए. स्टडिंग द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. प्रिपेयरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द कंटिजेंसी प्लान एंड कंडक्टिंग रिहर्सल फॉर सच प्लान्स. प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिलेटेड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, वन सेकेंड. देखिए, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके यहीं पे हैं. द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. ठीक है, द कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये वाला ऑप्शन है. प्लानिंग डिजाइनिंग एंड इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड द फायर प्रोटेक्शन स्कीम्स, मेजरेबल मेजर्स कंट्रोल एंड सिस्टम फॉर द क्लाइंट. प्रोवाइडिंग फीडबैक आफ्टर मॉनिटरिंग. प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द प्रिपरेशन ऑफ द रिलेटेड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है सारी की सारी स्टेटमेंट जो है एक पीडीएफ से उठाई गई है, इसके बारे में आपको लास्ट में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 इन रिलेशन टू एन अरेस्ट मेड बाय एनी मेंबर ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो चार ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ. ये दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है. जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से उठाई गई है. एनी मेंबर ऑफ द फोर्स मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस एक्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले मेक ओवर द पर्सन सो अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर और इन एब्सेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ द सर्कमस्टांसिस ओकेजनिंग द अरेस्ट. ठीक है, तो मतलब पुलिस ऑफिसर को जो है हैंड ओवर करना पड़ेगा अगर कोई कैंडिडेट अरेस्टेड है तो. तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है, हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर और हैव हिम टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विदाउट एनी अननेसेसरी डिले. ठीक है, तो डायरेक्ट जो है उसी पीडीएफ से जो है ये क्वेश्चन उठाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग द सब सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आर गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है जिसके द्वारा जो है गवर्न किया जाता है. जी हाँ, ये लिखा है रूल्स गवर्निंग डिसिप्लिन. सुपरवाइजरी ऑफिसर शैल बी गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कॉरस्पेंडिंग क्लास इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, रूल्स एप्लीकेबल टू द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कॉरस्पेंडिंग क्लास. ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फॉर एनी रीजन सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डज नॉट हैव टू सरेंडर हिज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम. मतलब कोई भी मेंबर अगर सीआईएसएफ का मेंबर है अगर वो एलिजिबल नहीं रह पाता है या उसे सरेंडर करना पड़ता है तो उसे इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि उनमें से ये इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ जो सरेंडर ना करे. एनी द सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वन सेकेंड, द सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट आर्म्ड इशू टू हिम हर क्लोथ इशू टू हिम हर वाइल इन सर्विस एनी अप्रिशिएशन लेटर इशू टू हिम ड्यूरिंग द सर्विस. ठीक है, तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट आर्म्ड इशू जो पर्सन को हुआ है क्लोथिंग और एनी अप्रिशिएशन लेटर. तो क्वेश्चन बताता हूँ ये कहाँ से आपका जो है पूछा गया है. यहाँ पे दिया गया है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट. एवरी एनरोल्ड मेंबर सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ फोर्स शैल सरेंडर टू हिज इमीडिएट सुपीरियर हिज सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच शैल देयर अपॉन बी सबमिटेड टू द कमांडेंट. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली वो होगा डी ऑप्शन. देखिए, जब भी आप किसी भी फोर्स में जो है आपको सरेंडर करना पड़ता है तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको देना पड़ेगा. आर्म एंड एम्यूनेशन जो भी आपको इशू हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा और क्लोथिंग बेसिकली आपकी ड्रेस जो होती है वो आपको वापस करनी पड़ेगी. इसमें जो है आपका आंसर जो है डी. इसमें पूछा हुआ है नोट, इसमें पूछा हुआ है क्या नहीं जमा करना पड़ेगा. ठीक है, तो कोई अप्रिसिएशन लेटर अगर आपको मिला है सर्विस के दौरान तो उसको चाहे तो आप रख सकते हैं, उसको जमा करने की जो है ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd क्वेश्चन है. देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट जो हैं 12-13 क्वेश्चन जो है सिर्फ दो पीडीएफ से पूछे गए हैं. एक पीडीएफ में है 19 पेज हैं और दूसरी पीडीएफ में 62 पेज है, यानी 80 पेजेस में से सिर्फ आपके जो हैं 12-13 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 25 मार्क्स का जो है आपका डायरेक्टली जो है सिर्फ 80 पेजेस में से पूछा गया है और बहुत आसान क्वेश्चन जो है बेसिकली ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द पेनल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी में नहीं शामिल है. ठीक है, तो वन सेकेंड दीजिए मुझे. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा है जो अगर आप ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग सही नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा अ मेंबर ऑफ द फोर्स कन्विक्टेड ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी कैन नॉट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर जब आप देखोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिलेगा. यहाँ पे लिखा हुआ है, वन सेकेंड,
may be taken into forced custody and shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year. ऊपर सारा का सारा दिया हुआ है क्यों जो है अरेस्ट करेंगे, ये सब सब दी गई है. तो ये वाला आंसर जो है आपका, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट बिल्कुल होगा अगर आप ड्यूटी को नेगलेक्ट करोगे तो. और वो जो है नेगलेक्ट करने की रिगार्डिंग जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है. तो 83rd आपका क्वेश्चन है, इफ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ अ मेंबर ऑफ द CISF द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मेंबर इज नॉट फिट फॉर द परमानेंट अपॉइंटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन नॉट बी टेकन बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी. ठीक है, वन सेकेंड. तो वाला पॉइंट आप जब चेक करोगे, इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोबेशन द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ मेंबर ऑफ द फोर्स इज नॉट फिट फॉर द परमानेंट अपॉइंटमेंट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे डिस्चार्ज हिम और टर्मिनेट द सर्विस फ्रॉम द फोर्स आफ्टर इशूइंग द नोटिस ऑफ 1 month और आफ्टर गिविंग द 1 month पे इन लियू ऑफ द सच नोटिस. यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 महीना दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 3 महीना की मिनिमम जो है पे सैलरी देनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है, तो 1 महीने की देनी पड़ेगी. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. 84th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग. देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़े आपको लग रहे हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, जब आप पढ़ोगे बिल्कुल आसानी से जो आपका क्लियर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. ठीक है, वेयर एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इज सस्पेंडेड इज और डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड एंड एनी अदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कमेंस्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द सस्पेंशन द अथॉरिटी कंपिटेंट टू प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग डायरेक्ट दैट द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल कंटिन्यू टू बी द अंडर सस्पेंशन अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ऑल और एनी सच ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पे दोबारा देख लीजिए आप. यहाँ पे एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज नोटिफाइड और रिवोक्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी टू डू सो. ठीक है, तो इसका उसके बाद है एन एनरोल्ड मेंबर कैन नॉट बी केप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर मोर देन 180 डेज. तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. तो देखिए ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट जो हैं 86, 87, वन सेकेंड, हाँ जी 86 क्वेश्चन तक जो हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं सेम 2 PDF से लिए गए हैं बेसिकली, वहीं से जो है बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 2 PDF मैं आपके साथ लास्ट में वीडियो के मटेरियल में जब मैं बताऊंगा आपको शेयर करूंगा आपके साथ. उसके बाद ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं PDF से जो है लिए गए हैं, जो दूसरे वाली PDF हैं. ठीक है, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं. देन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आसान से होते हैं वो आपको देखिए, आप बिना उसके अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप जो है बेसिकली उनको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 94th क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द काउंटर हाईजेक टास्क फोर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, BCAS, CISF, NSG एंड SPG. ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. आपको पता है जब भी कोई हमारे पास टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर होता है या कोई भी हाईजेक वगैरह होता है तो बेसिकली जो है NSG को जो है बुलाया जाता है. तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से लिया गया बेसिकली. देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 702 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज काउंटर हाईजेक टास्क फोर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, CISF, BCAS, SPG एंड NSG. तो इसका आंसर क्या होगा, NSG. ठीक है, तो बेसिकली हमने दो आपके लिए क्वेश्चन PDF भी तैयार किए हैं, एक 800 पेज का है और दूसरा 900 पेजेस का है, जिसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके इस एग्जामिनेशन में भी आए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आएंगे. तो इनको जरूर आप सॉल्व करिए, इन 1800 बेसिकली क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बहुत आसान क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े होंगे या फिर आपने सर्विस के दौरान जो जिनके बारे में आपको नॉलेज होगी, और आप मेरे ख्याल से हार्डली 4 या 5 दिन में जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं. इनके आंसर जो है PDF में लास्ट में दिए गए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 96 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XBIS. ठीक है, इसके बारे में जो है पूछा है XBIS के बारे में. तो XBIS की फुल फॉर्म बेसिकली इन्होंने पूछी है क्या होती है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम. अब बेसिकली ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ये NISA की वेबसाइट है. ठीक है, आपको सबको पता है NISA की वेबसाइट के बारे में, अगर नहीं पता है तो चेकआउट जरूर कीजिए. NISA हैदराबाद लिखिए तो आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा, और उसमें एविएशन सिक्योरिटी का बेसिकली एक वो दिया हुआ है. जब उस पर आप क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, वन सेकेंड. ये आपकी बेसिकली NISA की वेबसाइट है, जहाँ पे जब आप NISA में एविएशन सिक्योरिटी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एविएशन सिक्योरिटी के बारे में डिटेल्स खुल जाएंगी. यहाँ पे लिखा हुआ है CISF पर्सनल ऑन वाइड रेंजिंग टॉपिक्स इंक्लूडिंग बेसिक एविएशन सिक्योरिटी XBIS
एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो देख रहे हो आप किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आपका जो माइंड है बहुत ही क्विक काम करना चाहिए, और जहाँ पे भी आपको इस तरह की डिटेल जैसे देखने को मिले, हालांकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली आप डेली उन सब चीज़ों से डील करते हो, तो उसी के रिगार्डिंग ये बेसिकली क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, 99th क्वेश्चन, बीच में ये क्वेश्चन है, ये अजीब तरह के क्वेश्चन है काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे आसान क्वेश्चन भी है। जैसे 97th की अगर मैं बात करूँ, एक्सेस कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो ASG लोकल पुलिस, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी, ठीक है। लोकल पुलिस का देखिए इसके रिगार्डिंग कोई भी वो नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली जो है कट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आप पढ़िए, तो बॉम्ब ब्लैंकेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, हैंडहेल्ड वेपन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हैंडहेल्ड वेपन। तो जैसे 99th क्वेश्चन अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी कैन कैरी आउट सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक बॉम्ब थ्रेट कॉल। अगर कोई भी बॉम्ब की थ्रेट कॉल अगर आती है बेसिकली, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कौन सी एजेंसी को जो है कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन मैं ये दिखाता हूँ कहाँ से पूछा गया है बेसिकली। देखिए, इन केस ऑफ स्पेसिफिक बॉम्ब थ्रेट कॉल्स, हु विल सर्च द एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विद द एयरलाइन इंजीनियर्स एंड सिक्योरिटी, ASG पर्सनल, BCAS, BDDS एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही एयरलाइन सिक्योरिटी और एयरलाइन इंजीनियर्स दिया है, और इसमें BDDS, AGS एंड DGC ये तीनों जो हैं अलग से इसमें बताए गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहाँ से आपका सोल्व हो सकता था, अगर आपने पिछले साल ये पढ़ा होता। तो उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसे 4-5 क्वेश्चन जो IPC से आए हैं, 3-4 क्वेश्चन CRPC से आए हैं, उसके बाद जो है एविडेंस एक्ट से आए हैं, बहुत सारे जो है आपको PDF जो है पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा देखिए दोस्तों। और हमारा जो मटेरियल है वो पूरा कंसाइज मटेरियल है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप बिना, अगर आपने PDF वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपके जो क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन में जो है आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए वॉज वर्क विद अ हैचेट विद फुल प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग एज हेड ऑफ द हैच फाइल्स ऑफ किल्स अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग नियर बाय, ए हैज़ कमिटेड नो क्राइम अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर 80। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन किया है, सेक्शन 80 बेसिकली क्या है, इलस्ट्रेशन वगैरह दिए गए हैं। तो आपके IPC के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इलस्ट्रेशन के बेस पे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ए इज एट वर्क विद हैच द हेड फाइल्स ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, सेक्शन 80 इसका आंसर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये वाला सोल्व हो सकता था। देन आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली, ये आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है और जिसकी कोई बेल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान ऑप्शन जो है वो सीधा सा आपका सेडिशन है। देखिए, राजद्रोह एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप वो करते हो तो आपको कोई भी जो है बेल नहीं मिलेगी और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपको डील करने हैं। उसके बाद बात करता हूँ थोड़े से और क्वेश्चंस के बारे में जो आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जिनका डायरेक्ट सोर्स जो है मैंने पता लगाया है काफ़ी मेहनत करके। उसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, वेन वॉज द CISF इंडक्टेड एट एयरपोर्ट्स। ये थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। 1999, 2001, 2002 एंड 2000, ठीक है। तो आपको आंसर तो पता ही होगा, मन में सोच लीजिए, थोड़ी देर में हम बताते हैं फिर आपको। ये देखिए, CISF वॉज इंडक्टेड इनटू एविएशन सिक्योरिटी इन ईयर 2000, द इनिशियल रोल ऑफ CISF एट एयरपोर्ट वॉज लिमिटेड टू द फॉलोइंग, ठीक है, ये सब छोड़िए। तो यहाँ का आंसर जो है आपका 2000 है, और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे MCQs में बेसिकली दिया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, 1 सेकेंड, इसमें नहीं है, सॉरी, इस वाली फाइल में होगा। ये देखिए, वेन वॉज CISF इंडक्टेड एट एयरपोर्ट्स, डायरेक्ट जो है लिया गया है, तो 3 फरवरी 2000 को जो है CISF को इंडक्ट किया गया था एयरपोर्ट्स में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज
कंटेंड इन सेवरल लेटर्स व्हाट मस्ट बी प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली वो है, आंसर सी है इसका, ठीक है। तो ऑल द लेटर्स इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेंड मस्ट बी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ कहाँ से जो है बेसिकली लिया गया है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेंड इन सेवरल लेटर्स ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेंड मस्ट बी प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ से, ऑल द लेटर्स इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेंड मस्ट बी प्रूव्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेंड इन सेवरल लेटर्स, तो ये बेसिकली इलिस्ट्रेशन से पूछा गया है। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके इलिस्ट्रेशन से जो है पूछे गए हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और डायरेक्ट जो सेम दोनों के दोनों हैं क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन हैं डायरेक्ट एविडेंस एक्ट के ऊपर पूछे गए हैं और सेम पीडीएफ से हैं। इस पीडीएफ में आपके 50 पेजेस हैं बेसिकली, और वहाँ से चार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी 50 पेज अगर आप पढ़ देते हो तो उसमें से आपके चार क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी मार्क्स जो हैं किस तरह से आपको मिलने वाले हैं। ए इज चार्ज विद अ ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन विदाउट अ टिकट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टू प्रूव दैट ही हैड अ टिकट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये अगर आप बिना उसके भी करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें बेसिकली पूछ रहा है अगर आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग किसको जो है ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास टिकट है। तो इसमें देखिए टीटी तो प्रूव नहीं करेगा ना कि आपके पास टिकट है, ये तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा जो गिल्टी होगा ना। तो ए हैज़ टू प्रूव इट, लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड वन सेकेंड। इसका सोल्यूशन जो है दिया गया है 107B। वन सेकेंड ये रहा, ठीक है। ए इज चार्ज विथ ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम, मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं यानी ए के ऊपर ही। तो सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं से उठाया गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते थे इस तरह से। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट विद द रिस्पेक्ट टू एनी चेंज विच अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द सर्विस एप्लीकेबल टू एनी वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 शैल नॉट बी इफेक्टेड विद इन, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली 21 डेज हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। इसका पीडीएफ जो है हमारे मटेरियल में इंक्लूडेड है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका बेसिकली 118, ये सारे क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूडेड है। ये वाला भी क्वेश्चन जो है पीडीएफ से लिया गया है बेसिकली डायरेक्ट, विजिलेंस वाला भी, और ये वाला पॉलिटिक्स से भी आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन विजिलेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर द सेंट्रल कमीशन एक्ट 2003 विच वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, बेसिकली विजिलेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है, दो उसके अंडर मेंबर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिकली दोस्तों, ये डायरेक्ट आपके पूछे गए थे प्रोफेशनल स्किल से। इसमें देखिए दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन में से, 75 क्वेश्चन में से आपके जो लास्ट के 20 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सारे एक्ट वगैरह से, ये सब रूल एक्ट्स इनसे पूछे गए हैं, और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन हैं आपके यानी 131 से लेके 150 तक क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपके कंप्यूटर की नॉलेज से पूछे गए हैं। जिनमें से 20 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 12-13 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है, बेसिक क्वेश्चन बेसिकली हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ सीपीयू, तो सीपीयू का कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, बेसिकली सारे के सारे ही सीपीयू के पार्ट होते हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देन उसके बाद जो है जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 TB ऑफ मेमोरी स्टोरेज इज इक्वल टू, तो 1024 GB, ठीक है, 1 TB। आजकल लैपटॉप भी आ रहे हैं ना 1 TB के, तो 1024 जो GB है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आसान है। उसके बाद जैसे ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता है यूनिक्स विंडोज़ लिनक्स ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। दिखा देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिनक्स अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच कंबाइंड विद द अदर कंपोनेंट लिनक्स सर्व्स एज एन इंक्रीजिंग पब्लिक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्पीट्स विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से पूरा ये पीडीएफ है आपका, ये 17 पेजेस का पीडीएफ दोस्तों, और ये 15 पेजेस के अराउंड होगा क्योंकि इसमें बॉक्स वगैरह काफ़ी सारे हैं। तो 15 पेज अगर आप पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपके इसमें 20 में से जो है ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 तो आप खुद ही कर सकते हो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। सही ये वाला क्वेश्चन है आपका, वन सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बेसिकली है, तो इसका कमेंट जो है आप कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्वयं जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टडी वेब्स ऑफ द एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। देन आपका
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्टिकल माउस बेसिकली इनपुट डिवाइस होता है, सबको पता है। प्रिंटर जो होता है फोटोज वगैरह प्रिंट करने काम आता है, या डॉक्यूमेंट कोई। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, साउंड को जो है आउटपुट में कन्वर्ट करता है। देन आपका प्लॉटर जो है, प्लॉटिंग करते हैं जितने भी, जो बड़े बड़े आपके मैप्स वगैरह बनते हैं प्लॉटर पे बनते हैं। तो ऑप्टिकल माउस आपका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? ठीक है, तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बेसिकली वेब ब्राउजर नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब आपने यूज़ किया होगा। ये बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जैसे एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, तो किसने एंड्रॉयड को जो है बनाया था? तो इसका तो मुझे लगता भी नहीं आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली काफ़ी आसान है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी नॉलेज के। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी डिवाइस, तो इनमें से आप बताइए कौन कौन सा जो है इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, देन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? अब ये पॉइंटर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं ना, तो क्या है? ऑप्टिकल माउस ही तो है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसका आंसर ये हो जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो जितने भी ओरेकल है, MySQL है, ये जितने भी हैं सारे डाटाबेस जो हैं वो इसका आंसर हो जाएगा, MS Word। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली कुछ आपके हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। तो PDF हमारा है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा मटेरियल इसका तैयार किया है। इसमें PDF है, MCQs प्रैक्टिस के दो PDF रहेंगे। ये वाला PDF जो है 800 क्वेश्चंस का है, ये वाला 900 क्वेश्चंस का है। सॉल्यूशन इसके एंड में दिए गए हैं, और 3-4 क्वेश्चन जो है इसी से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद पेपर वन के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, तो इसको हमने 2-3 चीज़ों में डिवाइड किया है। GS के उसमें डिवाइड किया प्रोफेशनल और रीजनिंग। प्रोफेशनल को अगर मैं खोलूँ इसमें, तो प्रोफेशनल में इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपके इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारे के सारे मैं इसमें प्रोवाइड किए हैं। एक दो डॉक्यूमेंट और है वो भी इसमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो ये लिखा हुआ है CSF रूल 62 है, और ये वाला है, इन दो से जो आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपका CRPC है, IPC है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, CIPC की टर्म्स है, करप्शन एक्ट है, उसके बाद एविएशन सिक्योरिटी है। इन सबसे हैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए। तो मटेरियल अगर आप ये लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक ढूंढने में परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में भी आपको जो है हम हाईलाइटेड कमेंट में जो है इसका लिंक दे देंगे परचेज करने का। और अगर तब भी आपको नहीं मिलता है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है studyfunda22@gmail.com। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।